Please subscribe and press the bell icon for more videos. जय हिंद साथियों, वर्ल्ड यूथ स्किल डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई। साथियों, ये वीडियो उन युवाओं के लिए है जो एक तरफ अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं और दूसरी तरफ अपने जीवन यापन के लिए कहीं ना कहीं कोई रोजगार ढूंढ रहे हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम रेखा मेनन है और जैसे कि आप सबको पता है आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसको डिक्लेयर किया गया था, जहाँ पे ये बेसिकली डिक्लेयर इसलिए किया था ताकि एक टेक्निकल और वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट का एक फोकस आए यूथ में, सो दैट यू नो जो यूथ की एबिलिटी है टू एक्सेस क्वालिटी टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसका एक मार्ग मिले। सो आज के दिन हम वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मना रहे हैं और ये स्पेशली डे सारे यूथ के लिए है और स्किल्स को प्रमोट करने के लिए है। इस साल जैसे कि आप सबको पता है कि यू नो कोविड के कारण काफ़ी जगह पे ट्रेनिंग्स वगैरह स्थगित किया गया था लॉकडाउन के कारण, तो ये जो इस साल का जो थीम है 2021 का, वो बेसिकली एक ट्रिब्यूट है जो रिसाइलेंस और क्रिएटिविटी है यूथ की, उस ये जो क्राइसिस और इसको फेस करने के लिए उसके लिए डेडिकेट किया गया है। ये वीडियो उन युवा छात्रों के लिए भी बहुत विशेष है जो अभी सीनियर सेकेंडरी में प्रवेश कर चुके हैं, अर्थात 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में। उन्हें ये बहुत सुनहरी मौका मिल रहा है कि वो स्कूल में रहते ही अपने भविष्य का चयन कर सकते हैं, अपनी रुचि के अनुसार वो कोई भी एक ऐसा स्किल चूज कर सकते हैं जिसमें वह भविष्य में जाकर कार्य करना चाहते हैं। ऐसा करने से वे कभी बेरोजगारी की स्थिति में पहुंचेंगे ही नहीं। ये दिन उन प्रशिक्षकों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़कर समाज में बहुत अहम कार्य कर रहे हैं, परंतु ये देखा गया है कि इस वर्ग को जो दर्जा प्राप्त होना चाहिए था समाज में, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 2014 में इसकी घोषणा की गई और 2015 में ही ये पूरे विश्व भर में मनाए जाने लगा। इस दिवस को मनाने के पीछे विशेष उद्देश्य ये था कि वर्कर्स की डिमांड और जो स्किल्स वर्कर में ऑलरेडी हैं, उन दोनों के बीच के गैप को कम किया जा सके, अर्थात जैसी जरूरत है उस हिसाब से हमें वर्कर्स को तैयार करना था। भारत में भी 2015 में कुशल भारत मिशन की घोषणा की गई और इसको अंजाम देने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू किया गया और इसका लक्ष्य था करोड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराना। शुरू में लगभग 40 ऐसे विषय थे, ऐसे स्किल्स थे जिन्हें ग्रहण करके एक स्किल्ड वर्कर बना जा सकता था और रोजगार प्राप्त किया जा सकता था, परंतु अब 2021 आते आते इसकी संख्या 350 से भी अधिक हो चुकी है। ये स्किल्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, सिक्योरिटी और ना जाने कितने। युवाओं के कौशल में निखार लाने के लिए सरकार ने विशेष ध्यान देते हुए एक अलग मंत्रालय की स्थापना की जिसे MSDE बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस मंत्रालय का कार्य है कि अच्छे रोजगार के अवसर प्रदान कर। इन स्किल्स को हासिल करने के बाद एक युवक या तो इंडस्ट्री में काम कर सकता है या फिर अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकता है, तो इस प्रकार उन्हें सक्षम बनाया जाता है कि वो किसी भी फील्ड में जाकर के सफल हो जाए। साथियों, कोविड के कारण 2020 में रोजगार में बहुत गिरावट आई और जिन युवाओं का रोजगार छिन गया उनकी आयु 15 से 24 वर्ष की थी, तो हम समझ सकते हैं कि युवा कौशल को फिर से तैयार करने की कितनी आवश्यकता है। इसी कारण इस वर्ष का थीम रखा गया है री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। अगर पैंडेमिक की बात करें तो 70% युवाओं को, ट्रेनिस को अपने इंस्टीट्यूशंस बंद होने के कारण ट्रेनिंग बीच में छोड़नी पड़ी, इसीलिए आज ये आवश्यकता आन पड़ी है कि युवाओं के कौशल विकास के लिए कोई ना कोई तरीका अवश्य निकालें और उन्हें कार्य के लिए फिर से तैयार किया जाए। विद्यालयों में आरंभ किए गए वोकेशनल एजुकेशन की वजह से स्किल इंडिया मिशन को
बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली है। आज देखा गया है कि बच्चों को 12वीं कक्षा के बाद से ही रोजगार प्राप्त हो रहे हैं। जो कुछ विद्यार्थी विद्यालय छोड़ चुके थे या अपनी एकेडमिक्स में बहुत अच्छे नहीं थे, उनमें ये कौशल का विकास करके उन्हें उनके रुचि के अनुसार और उनके कौशल के अनुसार रोजगार मुहैया कराया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2021 यानी 3.0 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करना चाहता है, भारतीय नागरिक है, वो PMKVY official.org पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और अपने पसंदीदा कोर्स को चुन सकता है। इसमें उन्हें एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो आगे आने वाले रोजगार को प्राप्त करने में मदद करेगा। आज के लिए मेरा आप सभी यूथ को यही मैसेज होगा कि आप अपने हुनर को पहचानिए और जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है उसमें आप ट्रेनिंग लीजिए। गवर्नमेंट द्वारा बोथ स्टेट एज वेल एज सेंटर बहुत सारी स्कीम्स है जो स्किल डेवलपमेंट के लिए है, आप उसमें एनरोल कीजिए, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है और फिर उसी द्वारा आप एक नौकरी के लिए भी लायक हो जाएंगे। आप सभी को पता होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है जिसके अंतर्गत स्किल ट्रेनिंग को स्कूल्स और कॉलेजेस में भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो यानी कोई बच्चा स्कूल में है या कॉलेज में है वो अपने स्कूल और कॉलेज के दौरान ही स्किल की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं ताकि जब वो स्कूल और कॉलेज से बाहर निकले तो मार्केट रिलेवेंट स्किल्स में वो रेडी हो ताकि उनको इमीडिएटली जॉब मिल सके। और इससे बेनिफिट ये होगा कि जो एम्प्लॉयर है उनको भी एक रेडी यू नो ट्रेंड वर्कफोर्स मिल जाएगा जिससे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी और उनको ट्रेंड वर्कफोर्स मिल जाएगा, विच विल बी अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप दैट आप इस स्किल्स यूथ डे में इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे और ये निर्णय भी लेंगे कि हम जो भी सीख रहे हैं भले वो कॉलेज में हो या स्कूल में हो उसके साथ साथ एक स्किल्स भी हम सीखेंगे विच विल एनेबल अस टू बी अ स्किल्ड मैन पावर। आज बदलते हुए समय के अनुसार स्किल की परिभाषा ही बदल गई है। पहले स्किल का मतलब होता था आपके अंदर कुछ गुण, आपकी विशेषताएं जैसे बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल्स, डांसिंग स्किल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट का स्किल, खाना बनाने वाला स्किल। परंतु आज औद्योगिकरण की वजह से इंडस्ट्रियल फील्ड में इसके मायने बदल चुके हैं। आज इंडस्ट्री में देखा गया है कि जरूरत के अनुसार ही विद्यार्थियों को ट्रेन किया जा रहा है और उसी हिसाब से वर्ल्ड ऑफ वर्क में उन्हें भेजा जाता है। हर व्यक्ति का जॉब स्पेसिफिकेशन अलग है और उसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जैसी की डिमांड आ रही है उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग खत्म करने के बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वह इंडस्ट्री में जाकर के उन्हें देखें और काम करने से पहले ही स्वयं को तैयार कर चुके हैं। स्किल डेवलपमेंट या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित किसी भी सूचना के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमें संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को एक बार फिर से विश्व युवा कौशल दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे एक अनुरोध करता हूं कि यदि आपके आसपास कोई बेरोजगार है तो इस वीडियो को जरूर दिखाएं और हो सके तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।